सिर्फ फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असली जिंदगी में विलन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आप सभी लोगों का जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी एंड तारा सुतारिया की फिल्म एक विलन द्वितीय यानी कि एक विलन रिटर्न्स के पहले धमाकेदार गाने यानी कि द गनिया रिटर्न्स सॉन्ग के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अभी हम आ गए ना, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। वर फैंस एब्सोल्युटली किक एस। देखिए गाइस, एक विलन एंड 10 करोड़ की ओपनिंग में बस एक ही चीज इनके बीच में आ रही थी, वो थे ब्लॉकबस्टर गाने। देखिए गाइस, जब एक फ्रेंचाइजी को आप आगे ले जाते हो उसका टाइटल तो आपको पहले ही मदद करता है, द फ्रेंचाइजी ऑलवेज हेल्प्स यू, लेकिन जो गाने होते हैं, हमने देखा किस तरह से भूल भुलैया में टाइटल ट्रैक जिस तरह से यहाँ पर रिक्रिएट किया गया था, गलियां वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जरा भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी थी। एंड जिस तरह से दे हैव केप्ट द ओरिजिनल ट्यून एंड द ओरिजिनल फील ऑफ द सॉन्ग इंटैक्ट, जरा भी यहां पर खराब नहीं लगता। द गलियां रिक्रिएशन यानी कि द गलियां रिटर्न्स बाय अंकित तिवारी इज गोना बी अ ईयरवर्म। जिस तरह से पूरा का पूरा एक टेक्नो मिक्स दिया है यहां पर, इसका हुक, इसका पूरा का पूरा फील, इसकी पूरी की पूरी वाइब, जिस तरह से यहां पर एक ट्रांस में आपको लेकर चली जाती है, दिस इज अ परफेक्ट पार्टी एंथम। एंड गलियां रिटर्न्स विल इंश्योर दैट एक विलन रिटर्न्स टेक्स अ क्रैकिंग ओपनिंग। एंड गाइस, ये फिल्म इतनी गर्म हो गई है आफ्टर द ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स द ट्रेलर ऑफ दिस फिल्म एंड नाउ गलियां रिटर्न्स, एक विलन रिटर्न्स इज ऑल पॉइज्ड टू टेक अ 10 करोड़ ओपनिंग ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ रिलीज। यस फ्रेंड्स, गाना अंकित तिवारी ने म्यूजिक दिया है, सिंगिंग अंकित तिवारी ने किया एंड लिरिक्स बाय मनोज मुंतशिर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट फ्रेंड्स, गाने में सबसे बड़ा हाईलाइट ऑब्वियसली इज अ मेकिंग आउट सीन बिटवीन जॉन अब्राहम एंड दिशा पाटनी। जो झलकियां हमने ट्रेलर में देखी थी उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर एक वाइब यहाँ पर दे दी है। जॉन अब्राहम एब्सोल्युटली लुकिंग किक-ऐस मैन, बोलते हैं ना कि यू नो एकदम गर्मी बढ़ा दिया जॉन अब्राहम ने, दिशा पाटनी कमिंग एंड जॉइनिंग हिम, वो वाला सीन। दूसरा सीन मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, एक सीन है जब जॉन अब्राहम अर्जुन यू नो अबाउर पीछे पीछे खड़े हुए, यानी कि वो उसके पीछे खड़ा है, अर्जुन जॉन अब्राहम आगे खड़ा है, एंड दिशा पाटनी आकर यहाँ पर जॉन अब्राहम से गले मिलती है एंड पीछे अर्जुन कपूर देख के हंसता है, दिशा पाटनी उसको देखकर हंसती है। तो गाइस, कौन यहाँ पर विलन है, कौन क्या है, ये ट्रेलर में तो कंफ्यूजन था ही था, ये गाने ने भी यो फील जो है यहाँ पर पूरी की पूरी सस्पेंस एंड मिस्ट्री की वो बरकरार रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक सीन है जहाँ पर यू नो तारा सुतारिया एंड अर्जुन कपूर दोनों डुकाटी में बैठे हुए हैं, वो वाला सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सीन है, आई थिंक दिस इज गोना बी रियली गुड इफ अर्जुन कपूर मैनेजेस दिस सीन। तारा सुतारिया अर्जुन कपूर को छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रही है, अर्जुन कपूर उनके पीछे कार पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दिल टूटे हैं यहाँ पर लोगों के। सभी लोगों को पता है जो सीरियल किलर ऑन द लूज है वो एक तरफा जो प्यार वाले हैं उनकी हत्या करते हुए जा रहा है। लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से एक यू नो बारिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जॉन एंड दिशा बोथ वेयरिंग व्हाइट्स, वो भी काफी बेहतरीन है। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जा मेरी, तू दिल है, सांसों के बिना तो जी लेंगे पर तेरे बिना मुश्किल है, किस्मतें तेरी मेरी जुड़ी है, मेरे हाथों में रब ने लिखी है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। और जिस तरह से डूम चा डूम चा, जिस तरह से अंकित तिवारी ने यहाँ पर बीट्स डाले हैं पूरे के पूरे गाने में, आपको कम्प्लीटली थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे पास एक और सीन है, जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी दोनों हाथ पकड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे एलईडी लाइट से पीछे एक पूरा वाइब आता है गाने का। उसके बाद एक और सीन है जहाँ पर यू नो बहुत सारे लोग जो है गन्स लेकर अटैक करने आते हैं एंड यू नो अर्जुन कपूर वहाँ पर अपना मास्क ऊपर करके वहाँ से निकल जाते हैं, एब्सोल्युटली पॉइज्ड टू टेक अ वेरी बिग ओपनिंग। ये गाना ना जरूरी था, गाइस गाना इस फिल्म का यू नो पहले पार्ट का भी एक बहुत ही बड़ा यूएसपी था एंड आई थिंक सेकेंड पार्ट का भी एक बहुत बड़ा यूएसपी होने वाला है। ये तो पहला ही गाना है, बहुत सारे गाने हैं एक विलन रिटर्न्स के एल्बम में एंड आज आप रूबरू हुए हो द गलियां रिटर्न्स सॉन्ग। फ्रेंड्स, टी सीरीज पे अभी अभी ये गाना आया है एंड ये गाने को बस 30 मिनट हुआ है। यस फ्रेंड्स, केवल 30 मिनट में ये गाने ने लगभग
286,000 व्यूज जो है वो बटोर लिए हैं विद 40,000 लाइक्स, यानी ये गाना अभी से वायरल हुआ है। लेट्स सी गाइस क्या 24 घंटे में ये गाना रिकॉर्ड्स तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, तो वक्त ही बताएगा। गाना नहीं देखा है जाके देखिए। आई वॉन्ट कम्प्लीट एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस फिल्म, मैंने पहले ही बोल दिया है मेरे को इस फिल्म को लेकर कोई ज्ञान नहीं पहलना है। ये फिल्म ज्ञान के लिए नहीं बनी है, ये फिल्म इंजॉयमेंट के लिए बनी है, ये फिल्म कम्प्लीटली ऑल आउट जाने के लिए बनी है। एंड बहुत अरसा हुआ है कि ऐसी फिल्म बॉलीवुड में आई है जहाँ पर सेक्स है, रोमांस है, मिस्ट्री है, मर्डर है, एक्शन है, थ्रिल एलिमेंट है, एंड विलन फ्रेंचाइजी प्रोमिसेज यू एवरीथिंग व्हेन इट रिलीजेज एट द बॉक्स ऑफिस। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।